हाय फ्रेंड्स, ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स में आप सभी स्वागत है। इस बार हरतल का तीज मंडे को मनाया जाएगा। सभी स्वागत महिलाएं के लिए हरतल का तीज बहुत ही खास होता है। बहुत ही धूमधाम से हरतल का तीज को मनाया जाता है, क्योंकि माँ पार्वती ने भोलेनाथ को पाने के लिए हरतल का तीज को सबसे पहली बार किया था। और उन्होंने वन में जाकर 12 वर्षों तक तपस्या की थी। और भादो मास की शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन उन्होंने भोलेनाथ की प्रतिमा बनाकर बहुत ही भक्तिभाव से उनकी पूजा अर्चना की थी, तब जाकर भोलेनाथ मिले थे। उस दिन से सभी स्वागत महिलाएं भादो मास की तृतीया तिथि के दिन पूजा अर्चना करती हैं भोलेनाथ और माँ पार्वती की प्रतिमा बनाकर अपने पति की लंबी आयु के लिए, और बहुत ही धूमधाम से मनाती हैं। सभी स्वागत महिलाएं महीनों दिन पहले शॉपिंग और पार्लर जाना शुरू कर देती हैं। और किसी भी फेस्टिवल में होता क्या है कि काफ़ी सारे भीड़ होती है, लंबी लाइन में लगनी पड़ती है, तब जाके आपको फेशियल होती है। तो क्यों ना घर में होम फेशियल किया जाए। सो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के लिए सीक्रेट होम फेशियल लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। और इस होम फेशियल से आप अपने चेहरे को चमका सकते हो और पार्लर से 10 गुना ज़्यादा निकाल पा सकते हो। और इस फेशियल को आपको 3 स्टेप में करना है। 3 दिन का चैलेंज है आपको। फर्स्ट में है क्लीन अप, सेकेंड में है स्क्रब और थर्ड में है आपको फेस पैक। 3 दिन का चैलेंज है। इसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़ना होगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप मेरे चैनल का हिस्सा बन जाएंगे। और बेल आइकन को क्लिक कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलते रहेंगे। और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 3 स्टेप में आपको कौन कौन से टिप्स को फॉलो करने हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स में फेस्टिवल सीजन के लिए स्किन वाइटनिंग चैलेंज चल रहा है, जिसमें आप अपने स्किन को लाइटन, ब्राइटन एंड वाइटन बना सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्लीनअप करना है। क्लीनअप करने के लिए आपको लेना है रॉ मिल्क 2 चम्मच। रॉ मिल्क आपके स्किन से जितने भी डेड सेल्स है, धूल मिट्टी गंदगी सभी को रिमूव करके आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा लाइटन करता है और आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है। नेचुरल क्लींजर की तरह ये मिल्क काम करता है आपके स्किन से जितने भी धूल गंदगी मिट्टी है उसे हटाने में। और 2 पिंच हल्दी लेना है। अगर कस्तूरी हल्दी है तो आप 2 पिंच कस्तूरी हल्दी ले लीजिएगा। अगर नहीं है तो किचन की हल्दी भी चलेगी। ये आपके स्किन से जितने भी इन्फेक्शन है या फिर आपके स्किन में दाग धब्बे हैं पिंपल्स के, वो सभी को रिमूव करने में हेल्प करेगा। इसमें एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल गुण होते हैं, जो आपके स्किन से दाग धब्बे को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो 2 इंग्रेडिएंट हो गया। और तीसरा इंग्रेडिएंट है, वो है एलोवेरा जेल। क्लीनअप के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और आपके स्किन को ग्लो प्रदान करता है। तो 1/2 चम्मच हमने एलोवेरा जेल ले लिया है। और कॉफी फेशियल किट है, तो यहाँ पे 10 रुपए के कॉफी से आप अपने स्किन को लाइटन, ब्राइटन एंड वाइटन बना सकते हो। और सभी चीजों में हमने यहाँ पे 10 रुपए की कॉफी ली है। और इसी कॉफी से 3 स्टेप का जो आपको फेशियल किट है उसे फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले क्लीनअप करना है। क्लीनअप करने के लिए हमने मिल्क, हल्दी और एलोवेरा जेल ले लिया है। और इसमें 1/2 चम्मच कॉफी लेंगे। कॉफी आपके स्किन से सारे डेड सेल्स को निकालने में हेल्प करता है। आपके स्किन से धूल गंदगी मिट्टी, आपके स्किन के पोर्स जो है वो ब्लॉक हो गए हैं, तो उसे खोलने में मदद करता है। और जितने भी स्किन में जमे हुए गंदगी है, पोर्स में जमी हुई धूल मिट्टी गंदगी है, जिससे आपका स्किन का पोर्स ब्लॉक हो गया है, उसे भी निकालने में हेल्प करेगा। अब आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा लाइटन, ब्राइटन एंड वाइटन बनाएगा। बहुत ही ज़्यादा कॉफ़ी जो है आपके स्किन को वाइट करने में हेल्प करता है और बहुत ही स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। तो आपको कॉफ़ी क्लीनअप में ज़रूर मिक्स करना है। और ये हमारा जो क्लीनअप है, रेमेडी बनकर तैयार है क्लीनअप के लिए। और इसे आपको अपने पूरे हाथों पे, गर्दन पे और अपने पूरे चेहरे पे क्या करना है, 1 से 2 मिनट तक मसाज देना है। तो अच्छे से आपको रब करते हुए मसाज देना है। रब कीजिएगा 1 से 2 मिनट तक और सर्कुलर मोशन में रब करना है, जिससे कि आपके जितने भी पोर्स में गंदगी है, धूल मिट्टी, जितनी भी मैल है, काली दाग धब्बे भी रिमूव हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा ये क्लीनअप है। तो आप इसे रोजाना बेस पे कर सकते हो और सभी स्किन टाइप के लिए है। कोई भी साइड इफेक्ट इस क्लीनअप का नहीं है। बहुत ही अच्छा है, स्किन का क्लीनअप बहुत ही अच्छे से हो जाता है। जैसे कि आपके स्किन में पॉल्यूशन की वजह से धूल मिट्टी गंदगी जो जम जाती है और उसकी वजह से आपके स्किन पे एक डेड सेल्स बनती जाती है, जिससे आगे चल के आपके स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा डैमेज होने लगती है। और बाद में अगर आपने अच्छे से केयर नहीं किया तो बाद में चल के आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। या डैमेज होकर आपके स्किन की जो चमक है खो जाएगी, स्किन रूखी सूखी बेजान की तरह हो जाएगी।
और बहुत ही ज्यादा डल दिखेगी, आपकी स्किन में ग्लो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आपको ये क्लीन अप रोजाना सुबह चाहे शाम में जब भी आपको टाइम मिले आप एक बार जरूर करें। इस तरह से आप एक दो मिनट तक क्लीन अप कर ले और बहुत ही आसान है। आप जान लिए कि ये आप एक तरह से रूटीन स्किन केयर टिप्स में रूटीन केयर में अपना लें। स्किन केयर रूटीन जो होता है आपका रोजाना, वैसे आप फेस वॉश करते होंगे तो उसके बाद ये टिप्स को फॉलो कर लें स्किन का क्लीन अप। तो इससे आपका स्किन में जो ग्लो आएगा ना नेचुरल ग्लो, आप देख के हैरान हो जाओगे। आपके आसपास के भी लोग पूछेंगे कि वाह क्या स्किन में ग्लो है, कितना चमक है। आपको पार्लर जाकर भी ये इतना निखार नहीं मिलेगा। और मैं आज जो 3 स्टेप का आपको फेशियल बता रही हूँ ना, बहुत ही इफेक्टिव है, 100% वर्क करती है। अगर नहीं किया ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना, किया तो भी नहीं किया तो भी, क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव है। मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ अपनी स्किन पे और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। सो आज मैं आप लोग को बता रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। तो ये एक दो मिनट तक हो गया, 5 मिनट मैं इसे सूखने दिया और अभी मैं इसे क्लीन करके आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। और फ्रेंड्स क्लीन करने के बाद आप देख सकते हो मेरा स्किन बहुत ही ज्यादा लाइटन हो गया है, क्योंकि अभी मैंने क्लीन अप की है। मैं आपको क्या बोलूं, क्लीन अप के बाद ही जब इतना ग्लो आ गया है तो स्क्रब और फेस पैक के बाद कितना ग्लो आएगा। सो आज मैं आपको क्लीन अप का ही स्टेप बताऊंगी और सेकेंड डेज में मैं आपको फेस स्क्रब का चैलेंज बताऊंगी, उसमें आपका स्किन कितना ज्यादा ब्राइट हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज का सिर्फ क्लीन अप चैलेंज था, सेकेंड डे होगा स्क्रब चैलेंज और थर्ड डे होगा फेस पैक चैलेंज। और ये 3 स्टेप का चैलेंज आपके स्किन को लाइटन ब्राइटन एंड व्हाइटन बना सकता है। तो मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिए ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स में, और मिलते हैं फिर सेकेंड डे में स्क्रब चैलेंज में। तो बाय बाय।